मैं जा रहा हूँ भगवान जाने, राम राम दुआ सलाम। शकल ले लेना, शकल जरूरी है, नीचे फेमस है यूट्यूबर पे। मैं ना सभी को राम राम। और आज सुबह भाई हम जल्दी उठ गए सो करके, और प्लान कर रहे हैं हरिद्वार घूम के आने का। बाकी मैंने पंडित को और राहुल भाई को फ़ोन कर दिया है, और भाई लगता है सब सो रहे हैं गली के अंदर, तो बिल्कुल ही एकदम शांति माहौल छा रखा है, कोई नहीं भाई यहाँ तो। ओ भाई गली में बज चुके हैं 4, कोई नहीं यहाँ तो। और ये हमारे तालू ब्रो, और ये हर्ष रैक्सवाल, तालू फुल मेकअप करता हूँ सुबह सुबह। मैं कुत्ता सो रहा है सामने एक छोटा सा। पंडित और राहुल भाई अपने, अब भाई चलते अपनी पार्किंग में और उठाते हैं सारी गाड़ी सर, ये सब सुने अभी। और भाई हम अपनी गाड़ी में आ चुके हैं, हम निकलते हैं यहाँ से हरिद्वार के लिए। और भाई घर से कम 5 निकल चुके थे वैसे, बट रास्ते में चाय पीन के रुक गए थे, और अब फाइनली 6 बज रहे हैं और अब निकले हैं दिल्ली से भाई। बाकी मॉर्निंग व्यू है, मस्त मज़ा आ जाएगा। 6 बज रहे हैं, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे हरिद्वार अपने मेरे ख्याल से तो। बाकी तो भाई ट्रैफिक तो और उसमें करता है। डेक्स वाल तो हमें ड्राइवर बता रहे हैं हम लेके जा रहे हैं इसे तो। और ये है भाई हमारे आशीष, और ये तालू। ओ भाई कैसे हंस रहा है ये राक्षस की तरह। भाई अब बहुत दूर मेरठ से भी आगे आ चुके हैं हम, और 1:30 अपनी गाड़ी चल रही है। अब कहीं रुकते हैं, फिर एक लेते हैं टी ब्रेक, दस के बाद फिर आगे निकलेंगे। और ये पंडित को लंगड़ाई लेता हुआ, भाई यहाँ हम रुके थे ऐसे ही थोड़ा हाथ पैर सीधे करने को, तो निकलते हैं आगे। भाई ग्रुप में मज़ा तो आता है बहुत ही कैडा वाला, मतलब फुल मजे लेते रहो, ना कोई टेंशन ना कोई कुछ, चलते रहो गाड़ी खेचम के चलते रहिए अपनी। अभी वैसे भाई थोड़ी भूख लग रही है, पंडित से कहा हमने कहीं रोक दे चाय वाय पीने को। भाई अभी कहीं रुकते हैं, फिर लेते हैं चाय की चुस्की, फिर निकलेंगे। और चाय का नुक्कड़, और पंडित फुल हाफ शॉर्ट्स में, बस कंफर्टेबल होते हैं हाफ शॉर्ट्स भी ना। वो लड़की लड़की वो लड़की दिख रही पंडित को, फिर से बाट में जाए लड़की। और ये हमने करवा लिए भाई 5 चाय, 2 बदमस्का और 2 पकौड़े। भाई अपना नाश्ता हो गया नुक्कड़ पे रेडी, और
और यहाँ तो केवल बंदोबस्त का ही है और बाकी चीज़ का है। पंडित क्या बोल रहा है ये बंदे, केवल यहाँ तो मस्त का ही है। अच्छा ले करके आ रहे हैं पंडित। अबे ये हम सारे आए हुए थे भाई होटल पे, होटल है हमारा, वीडियो बनाते रहेंगे देख लेना। भाई नाश्ता करके निकल चुके थे हम, बहुत आगे आ चुके हैं। और ये सामने बोर्ड देखो, हरिद्वार का बोर्ड भी आ गया है, मतलब अपना हरिद्वार अब अपनी मंजिल दूर नहीं। ओ भाई, और ये रैक्स वाला हवाबाजी देता हुआ पता नहीं क्या सोच रहा है अपने आप में, बहुत बड़ा बदमाश हूँ मैं। ऐ कुछ नहीं है, तो नकली है बदमाश। भाई हरिद्वार तो हम आ चुके हैं, बट हमने थोड़े प्लान में चेंजेस कर लिए हैं। पर अब हमने प्लान किया कि पहले हम जाएंगे ऋषिकेश, वहाँ पे हम नहाएंगे गंगा जी में और फिर राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद जब रिटर्निंग में आएंगे, जब अपन हरिद्वार रुकेंगे और फिर हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करेंगे। तो भाई अपने हरिद्वार के भोले जी, जय भोले सभी भाइयों को। ओ भाई जय भोले की सभी भाइयों को फिर से। कैडी मूर्ति बनाएंगे मतलब, हरिद्वार को बाय बाय बोलते हुए ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हुए आगे। ओ भाई यहाँ पे थोड़ा सा जाम ट्रैफिक, और अपनी गाड़ी थोड़ी आगे चलते हुए और पहाड़ों के नज़दीक आते हुए हम लोग क्या चाह रहे ट्रक वाले भाई, जाते कुछ करके मानेंगे ट्रक वाले भाई आज। ओ भाई फाइनली हम पहाड़ों के चढ़ते हुए, भाई सभी भाइयों से मतलब ये है कि जो भाई अगर गाड़ी लेके पहाड़ों वहाड़ों पर आते हो तो भाई सेफ ड्राइव की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। मतलब मैं तो कहूँगा कि भाई बढ़िया गाड़ी चलाते हो तभी पहाड़ों पे आओ ले करके, और लर्निंग वाले तो बिल्कुल ही मत आओ यार। यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे चलती है और शायद उसी का गहरा गड्ढा होता है, अगर हल्की सी भी दिक्कत हुई तो सिर्फ नीचे आओगे, कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। और फिर जो यहाँ के लोकल वो होते हैं बस वाले होते हैं और जो टेम्पू वम्पू वाले होते हैं भाई, वो तो वैसे ही कैडी गाड़ी। तो भाई फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लक्ष्मण झूला पे आए हैं। ये अपना लक्ष्मण झूले का नीचे का है। तो भाई सभी भाई राफ्टिंग करके वापस आ रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट होता है राफ्टिंग का, मतलब अगर आप राफ्टिंग करोगे 9 किलोमीटर कर लो, 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर कितने भी कर लो, बट ये एंडिंग पॉइंट यहीं पर होता है आपका लक्ष्मण झूला के नीचे। और यहाँ पर आके आपकी राफ्टिंग खत्म हो जाती है। और ये अपनी टीम राहुल भाई, तालू ब्रो, आशीष, पंडित, पंडित ब्रो भाई सोच रहे हैं यहाँ पे एक नहा लेते हैं थोड़ा सा। भाई जो कैड़ा मजा आ रहा है नहाने में, और ये पानी के अंदर का व्यू अपने फ़ोन से। पंडित हर्ष रैक्सवाल, आशीष गुजर और भाई सामने लक्ष्मण झूला अपना, ये हमारे राहुल ब्रा। और भाई रैक्स वाल बार बार फ़ोन का टेस्ट कर रहा है, वाटरप्रूफ टेस्ट, क्या भाई फ़ोन वाटरप्रूफ है या नहीं है। अरे बस कर, और अंदर फ़ोटो खिंचवा रहा पानी के अंदर फ़ोन से। भाई 13 पास तो हो गया वाटरप्रूफ में, जो बात है सो बात। भाई अपने पहाड़ों का व्यू कैडा वाला। ओ भाई ये बंदे राफ्टिंग करते हुए, अपन भी निकलते हैं राफ्टिंग करते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको मजा आए। भाई अब हम जा रहे हैं, हमने टेम्पो बुक कर लिया राफ्टिंग के लिए। ये देखिए भाई सारी टीम बैठी पड़ी है, तालीब भाई है, आशीष है, ये मनीष है, ये हमारे टीम लीडर राहुल भी है, इनकी बदौलत हम लोग यहाँ आए नहीं। और भाई हमें तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत मजा आने वाला है अभी, ऐसा ही लोगों ने पहले ही बताया। भाई फोन नहीं गिरेगा, ये फोन गिरेगा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज अच्छी राफ्टिंग कर लेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। भाई अगर गाड़ी भी कैट चला, वैसे तो एक बाल्टी पानी से ही नहाना होता था और एक मग्गे में साबुन छूट जाता था। आज हम जी भर के नहाएंगे जितना मन करेगा हमारा। और वैसे और वैसे तो बारिश में छत तो फूट गए, आज नाव में बैठ के जा रहे हैं। देखिए सारी टीम बैठी पड़ी है, सारी भाई अपनी राफ्टिंग हुई स्टार्ट और एकदम पॉजिटिव सी वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है मतलब कैड़ा ही मजा आने वाला है, माइंड ब्लोइंग भाई, मौज आ जाएगी मतलब।
भाई आपके मूवी स्टार सबसे आगे बैठा है पंडित, फिर बैठा है आशीष, फिर राहुल भाई, यहाँ पे पहली जंप लगाया सब कूदेंगे भाई इस तरह ही आप अरे जाओ डरो मत यार भैया शकल ले लेना, शकल जरूरी है, नीचे फेमस है यूट्यूबर पे। मैं नाम पवन कुमार है और भी मैं जा रहा हूँ। जा भाई मना कर रखे पीछे मत कमान राहुल चौहान ओके गो जंप भाई हम हैं बैक टू द बोट और अपनी सेकंड वेव आने वाली है और ये शांति तूफान से पहले वाली शांति है तो अब लेट्स सी क्या होता है सो लेट्स स्टार्ट ओके गो फॉरवर्ड फॉरवर्ड भाई माहौल बहुत ज़्यादा शांत सा लग रहा है लेकिन सामने मुझे तूफान सी दिख रही है पंडित तूफान देख रहा है सामने पत्थर है इस साइड से भाई वेव आ गई ओ आई ओ गए हो गए हो पत्थर में गए हो पत्थर में गए ओ चलाओ गए 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 भाई बहुत तगड़ी वेव थी यार ये तो अबे चलाओ नहीं मर जाएंगे सारे के सारे ओ भाई ये ओ ओ गए पंडित आगे बैठ कैसे गया है बड़ी वेव आ रखी है यार वहां की बंदे कर रहे पहले तो अल्लाह अरे वो वहां पैडल लॉक कर लो अपने सीट में पैडल लॉक करो उस तरह पैडल लॉक कर लो रस्सी पकड़ के पानी में जमा लो जाओ अरे जा मेरे भाई जा कुछ जा हाँ भैया पाँव पकड़ना पाँव पर रखना अपने लो पाँव पर रख लो पाँव पर अपने पाँव पकड़ ले भाई मेरे कैसा लगा बल के अंदर
जा रहा हूँ भगवान मैं जा रहा हूँ भगवान जा रहे राम राम दुआ सलाम ऐसी तो जैसे लोग गए थे जाओ आओ आओ भैया आओ आओ कम बैक आओ चलो भैया अरे ऊपर नहीं आ सकते कैसे कैसे गए थे पानी में अच्छा जो पानी भैया ऊपर ले लो यार भैया ऊपर ले लो हर हर मारे ऊपर ले लो हर हर मारे हर हर मारे जो बोले सुनिए कैसा लगा आपको अंदर आ गया Stop! जब ये तुम्हारे ये भी ऊपर आएगा ना तब बोर्ड का पूरा मजा आएगा बताओ ना बिल्ली अभी आपको भी ओके गो फॉरवर्ड भाई बहुत ही मज़ा आ गया राफ्टिंग करके मतलब पैसा वसूल और भाई भाई ने बहुत बढ़िया राफ्टिंग करवाई है और काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे हमारी सारी टीम मज़े लेते हुए फुल बट भाई मेरी ना एक शिकायत है मतलब भाइयों से मतलब हम राफ्टिंग कर रहे थे और साइड साइड में बीच बीच है यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे तो मैंने देखा मतलब कि
यार ये देवभूमि हमारी बट लेकिन लोगों ने इसको कपल्स पॉइंट बना लिया है। सारे अब कपल्स अपने गोल पूरे करने के लिए आ रहे हैं, ये जो कि गलत है भाई। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों से जो भाई ऐसे आ रहे हैं, भाई देवभूमि हमारी तो यहाँ पर भगवान है, बट आप लोगों ने तो हनीमून पॉइंट बना लिया उसको, तो ये गलत है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करो, अपनी पवित्र इंडिया है, भारत देश है अपना, इसे ऐसे रहने दो। और हाँ लिटरली मतलब जितने भी सामने बीच दिख रहे होंगे वो पीछे इन सब पे मतलब कपल्स ही कपल्स बैठे पड़े हैं, जैसे कि हनीमून बनाने यार इतने से हो गए तो गोवा गोवा जाओ यार। बाकी भाई अपनी लाफ्टिंग का ये लास्ट पॉइंट है, अब इसके बाद अपन जाएंगे लक्ष्मी झूले पे, इसके बाद एग्जिट करके फिर अपन निकलते हैं हरिद्वार के लिए। और फिर भाई वी केम बैक टू हरिद्वार और अब यहाँ पे अपन गंगा जी मनाएंगे, फिर अपन इसके बाद घर चलेंगे क्योंकि फिर नाइट होने वाली है। राफ्टिंग करने के बाद हम हरिद्वार आए हैं। ये बंदे हमारे सारे गैंग के, ये मनीष भाई है, ये वाले मनीष भाई है। हर्ष जायसवाल पूरे पुजारी के फॉर्म में भक्ति करता हुआ जय बोलेगी। मतलब व्यू तो बहुत तगड़ा है हरिद्वार का। तो भाई अब यहाँ पे आरती होने वाली है और आरती के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है, जैसे कि आप मैं दिखाता हूँ। नहीं बहुत पूरी कोई यहाँ पे आठ टिकट लगी पड़ी है वहाँ से। भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपन निकल चुके हैं और 12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, मंदिर गाड़ी चला रहा है। ताकि भाई इससे और वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करे, और कोई दिक्कत लगी हो हमारे वीडियो से तो हमारे को कमेंट करे। धन्यवाद सभी भाइयों को, राम राम।